इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री थ्रोस को कैसे मास्टर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन और मैं आ गया हूं एक नए बास्केटबॉल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही बास्केटबॉल और स्नीकर रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही रेगुलर कॉन्टेंट बना सकूँ। फ्री थ्रो बास्केटबॉल का सबसे ईजी शॉट होता है क्योंकि फ्री थ्रो मारते वक्त कोई भी प्लेयर आपको गार्ड नहीं कर रहा होता और आपको एक ओपन शॉट मिलता है। फिर भी आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत ही कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपने 80-85% से ज़्यादा फ्री थ्रोस को कन्वर्ट कर पाते हैं। बास्केटबॉल मैच में आपको फ्री थ्रोस तब मिलते हैं जब शॉट मारते टाइम आपको कोई फाउल कर दे और हर एक फ्री थ्रो की वैल्यू 1 पॉइंट होती है। अगर आप एक अच्छे फ्री थ्रो शूटर हो तो आपका ओवरऑल ऑफेंसिव गेम भी इम्प्रूव हो जाएगा क्योंकि कोई भी डिफेंडर शॉट मारते टाइम आपको फाउल नहीं करना चाहेगा क्योंकि आप इजीली फ्री थ्रोस को कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक अच्छा और एफिशिएंट फ्री थ्रो शूटर होने की वजह से आप अपने स्कोर में हर मैच में 10 से 15 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री थ्रोस मारने की सही टेक्निक जिससे आप हर मैच में अपने 80% से ज़्यादा फ्री थ्रोस कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ्री थ्रोस को मास्टर करने के लिए आपको इन 5 चीज़ों पर फोकस करना है: फुट प्लेसमेंट, शूटिंग फॉर्म, शॉट आर्क एंड एम, शॉट रूटीन और कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बात करते हैं आपके फुट प्लेसमेंट की। फ्री थ्रो मारते टाइम आप जंप नहीं कर सकते और बॉल को रिंग में टच होने से पहले आप फ्री थ्रो लाइन को कट या क्रॉस नहीं कर सकते। तो एक अच्छा फ्री थ्रो शूटर होने के लिए आपका फुट प्लेसमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। फ्री थ्रो मारते टाइम आपका शूटिंग फुट बास्केट की लाइन में एकदम सेंटर में होना चाहिए ताकि आप अपने शूटिंग हैंड को बास्केट की लाइन में अलाइन कर पाओ। और आपका दूसरा फुट पहले फुट के थोड़ा साइड में और पीछे होना चाहिए। अगर आप दोनों पैर एकदम स्ट्रेट लाइन में रखोगे तो आप अपने एल्बो को रिम से अलाइन नहीं कर पाओगे और आपको शॉट मारने में भी ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इसीलिए अगर आप शूटिंग फुट को सेंटर में और थोड़ा आगे रखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बास्केट की लाइन में अलाइन हो सकते हो और बॉल को ज़्यादा एफर्टलेसली शूट कर सकते हो। अब फुट प्लेसमेंट के बाद बात करते हैं आपके शूटिंग फॉर्म की। एक बार आपने अपने पैरों को बास्केट से अलाइन कर लिया तो आपको अपने एल्बो और बॉल को अपने शूटिंग फुट और बास्केट की लाइन में ही रखना है ताकि शॉट मारते वक्त बॉल का पाथ एकदम स्ट्रेट और सेंट्रली अलाइन्ड हो। अगर आपका शूटिंग फुट, एल्बो और हैंड एकदम स्ट्रेट लाइन में बास्केट के सेंटर में अलाइन्ड होंगे तो आप एकदम परफेक्ट फ्री थ्रो मार पाओगे। शॉट मारते टाइम आपको अपने हाथ और पैर दोनों की स्ट्रेंथ साथ में यूज़ करनी है ताकि शॉट को प्रॉपर आर्क और डिस्टेंस मिले। अगर आप सिर्फ अपने हाथ का फोर्स लगा के शॉट मारोगे और अपने पैरों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे तो आपको शॉट मारने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा और हो सकता है कि आप बॉल को परफेक्ट डिस्टेंस और हाइट ना दे पाओ। इसलिए आपको बॉल को प्रॉपरली शूटिंग पॉकेट से ऊपर लेके आना है और नीज़ को बेंड करना है और बॉल को एक फ्लो में तब रिलीज़ करना है जब आपके नीज़ और हाथ दोनों साथ में ऊपर आएँ। इससे आपके शॉट को प्रॉपर आर्क और डिस्टेंस मिलेगा और आप एक रिदम में शॉट मार पाओगे। अब बात करते हैं आपके शॉट आर्क और एम की। फ्री थ्रो मारते टाइम आपको हमेशा सीधे बास्केट में एम करना है और एक साइलेंट शॉट मारने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप चाहो तो बैक रिम में या नेट के पीछे वाली साइड में अपना एम बना सकते हो। फ्री थ्रो मारते वक्त आपका शॉट आर्क हाई होना चाहिए ताकि बॉल बिना रिम को टच करे सीधा बास्केट में जाए। अगर आप बॉल को प्रॉपर आर्क और हाइट नहीं दोगे तो बॉल फ्रंट रिम में लग सकती है और आप इवन एयर बॉल भी मार सकते हो और शॉट कन्वर्ट नहीं होगा। फ्री थ्रो में अच्छा शॉट आर्क और हाइट इंश्योर करने के लिए आप अपने शॉट को प्रॉपर फॉलो थ्रू भी दे सकते हो। इसमें आपको शॉट मारने के बाद अपने शूटिंग हैंड को कुछ टाइम के लिए एकदम स्ट्रेच रखना है जिससे आपके शॉट की लाइन इंश्योर हो और उसको प्रॉपर आर्क और हाइट मिले। अगर आप अपने शॉट को हर टाइम एक प्रॉपर फॉलो थ्रू दोगे तो आप उस पर अच्छी हाइट और उसकी स्ट्रेट लाइन इंश्योर कर पाओगे। अब इसके बाद बात करते हैं आपके शॉट रूटीन की। बॉल पकड़ने से फ्री थ्रो मारने तक आपको 10 सेकंड मिलेंगे तो आपको हमेशा शॉट मारने से पहले एक कॉन्स्टेंट रूटीन रखना है और हमेशा उसी फ्लो में शॉट मारना है। जैसे कि मैं फ्री थ्रो मारते टाइम हमेशा बॉल को बैक स्पिन देता हूँ, फिर 2 बार ड्रिबल करता हूँ और फिर फ्री थ्रो शूट करता हूँ। और आपने सारे NBA प्लेयर्स को भी हमेशा एक कांस्टेंट रूटीन में शॉट मारते हुए देखा होगा। इससे आप शॉट मारने से पहले हमेशा एक सही माइंडसेट में आ पाओगे और अपना रिदम मेंटेन कर पाओगे। अब फ्री थ्रो मारने की सारी टेक्निक सीखने के बाद बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फ्री थ्रो बास्केटबॉल का वन ऑफ द ईजिएस्ट शॉट होता है, फिर भी बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 85% से ज़्यादा फ्री थ्रो स्कोर कर पाते हैं और इसका सबसे मेजर रीज़न होता है कॉन्फिडेंस। फ्री थ्रो मारते टाइम सबकी नज़रें आप पे होती है और टाइट और क्रूशियल मैचेस में इतना इंपॉर्टेंट शॉट मारने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इसी प्रेशर में बहुत सारे प्लेयर्स चोक कर जाते हैं और शॉट मिस कर देते हैं।
तो आपको फ्री थ्रोज की जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है और खुद को टाइम प्रेशर में डाल के या और प्रेशर सिचुएशंस में डाल के फ्री थ्रोज मारने हैं ताकि आप असली मैचेस में फ्री थ्रोज को कन्वर्ट कर पाओ। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो तो आप फ्री थ्रो लाइन पे जाके एक डीप ब्रेथ लेके अपने रिदम या शूटिंग एक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये थी फ्री थ्रोज को मास्टर करने की सही टेक्निक, और अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मैचेस में अपना शूटिंग परसेंटेज बढ़ा सकते हो और मैचेस में और ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं जल्द से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लगातार बनाते रहता हूँ और पोस्ट करते रहता हूँ। और आपसे मैं लगा तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन। पीस आउट।